नमस्कार साथियों, कल्याणी आईएएस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संगठनों को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, जिसमें पिछले लेक्चर में हमने कुछ स्वास्थ्य संगठनों को बहुत ही अच्छे से पढ़ा एवं समझा, और इस लेक्चर में हम अन्य केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संगठनों को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे एवं समझेंगे। तो शुरू करते हैं। देश की आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं का होना अति अनिवार्य होता है, और सरकार विभिन्न नीतियों के माध्यम से, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, कार्यक्रमों के माध्यम से देश के विभिन्न राज्यों में, विभिन्न क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराती है। इन स्वास्थ्य नीति या स्वास्थ्य कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए, साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं की प्रदायगी के लिए स्वास्थ्य संगठनों का स्थापित होना और उनका विकास होना अति अनिवार्य होता है। तो हमारे देश में स्वास्थ्य सेवाओं की प्रदायगी के लिए, स्वास्थ्य संबंधित अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए, स्वास्थ्य अवयवों में नियंत्रण एवं समन्वय के लिए, या स्वास्थ्य के उन्नयन के लिए जो संस्थान समर्पित हैं उन्हें ही स्वास्थ्य संगठन कहा जाता है, और भारत में सार्वजनिक सेवाओं की प्रदायगी या अनुसंधान एवं विकास, नियंत्रण एवं समन्वय तथा स्वास्थ्य उन्नयन हेतु कई स्वास्थ्य संगठन जो हैं क्रियाशील हैं एवं कार्यरत हैं, और ये स्वास्थ्य संगठन राष्ट्रीय स्तर से लेकर ग्रामीण स्तर तक जो हैं कार्यरत हैं। साथ ही साथ हमारे देश में जो अधिकांश स्वास्थ्य संगठन हैं वो राज्य सरकारों के स्वामित्व में हैं, परंतु केंद्र सरकार द्वारा या भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित एवं नियंत्रित हैं। साथ ही साथ हमारे देश के अधिकांश जो स्वास्थ्य संगठन है या कई जो स्वास्थ्य संगठन है वो केंद्र सरकार की एजेंसियों के द्वारा निगमित एवं नियंत्रित होते हैं, तो वहीं अधिकांश जो स्वास्थ्य संगठन है वो राज्य सरकारों द्वारा नियंत्रित होते हैं। हमारे देश के संविधान के अनुसार जो स्वास्थ्य है, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं अस्पताल स्वच्छता, ये भारतीय संविधान की अनुसूची 7 की जो द्वितीय सूची है या राज्य सूची का विषय है, अर्थात सार्वजनिक स्वास्थ्य के संबंध में नीति निर्धारण हेतु राज्य सरकार उत्तरदायी होती है। फिर भी हमारे देश में केंद्र सरकार, राज्य सरकार आपस में समन्वय स्थापित करके जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनको प्रदान करती हैं एवं स्वास्थ्य क्षेत्र को उन्नत करती हैं। हमारे देश में जो स्वास्थ्य संगठन है वो केंद्रीय स्तर के स्वास्थ्य संगठनों, या राज्य स्तर के स्वास्थ्य संगठनों, या क्षेत्रीय या जिला स्तर के जो स्वास्थ्य संगठन है इनमें हम वर्गीकृत कर सकते हैं, राष्ट्रीय स्तर के स्वास्थ्य संगठनों में अगला हो जाएगा राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र, और ये भी 11 नंबर में प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिए, हमारे सिलेबस से संबंधित कोई भी टॉपिक या कोई भी विषय अगर खबरों में है तो वहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना ज्यादा है, और चूंकि हम पिछले 2-3 वर्षों से कोरोना जो पेंडेमिक है और जो जितने भी वायरल डिसीजेज हैं या संक्रमण जो कम्युनिकेबल डिसीजेज हैं उनके बारे में अखबारों में पढ़ रहे हैं, इसीलिए यहाँ से प्रश्न पूछा जाना जो है पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ये डायरेक्टली जो है राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र जो है संबंधित है महामारी से भी और संक्रामक बीमारी से भी, इसीलिए राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र से प्रश्न पूछा जाएगा। अब प्रश्न क्या आ सकता है कि राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के महत्व एवं कार्यों को समझाइए, या राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की संक्षिप्त जानकारी देते हुए इसके कार्यों को समझाइए। तो सबसे पहले हम इसकी स्थापना या इसके बारे में समझते हैं। तो देखिए, भारत में जो वर्षा होती है वो मानसूनी वर्षा होती है, अर्थात भारत में भीषण गर्मी के बाद में मौसमी वर्षा होती है, और गर्मी के पश्चात या गर्मियों के दिनों में कई जो गड्ढों का निर्माण होता है, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे ही मानसून बारिश होती है तो उन गड्ढों में जो प्रदूषण युक्त पानी होता है वो इकट्ठा हो जाता है, और इसकी वजह से अधिक मात्रा में मच्छर जो है उत्पन्न होते हैं, और वो मच्छर फिर कई प्रकार की संक्रामक बीमारियां फैलाकर प्रकोप मचाते हैं, इसीलिए भारत में मलेरिया
एवं मच्छर जनित कई प्रकार की जो बीमारियां हैं कई बार महामारी का रूप भी ले चुकी हैं, या बड़े बड़े शहरों में जो स्वास्थ्य सेवाएं उनको लचर बना चुकी हैं, राइट। इसीलिए हमारे देश में मलेरिया एवं अन्य मच्छर जनित बीमारियों के रोकथाम के लिए या नियंत्रण के लिए भारतीय मलेरिया संस्थान IMI की स्थापना की गई थी। फिर भारत सरकार ने इसी भारतीय मलेरिया संस्थान या MII, राइट, MII की गतिविधियों के विस्तार एवं पुनर्व्यवस्थापन के लिए, राइट, तो MII या भारतीय मलेरिया संस्थान की गतिविधियों के विस्तार एवं पुनर्व्यवस्थापित करने के लिए राष्ट्रीय संक्रामक रोग संस्थान की स्थापना की थी। और इस राष्ट्रीय संक्रामक रोग संस्थान की स्थापना 30 जुलाई 1963 में की गई थी। बाद में इसे ही राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के रूप में जो है परिवर्तित कर दिया गया है। अब जो राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र है, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र जो है महामारी विज्ञान के विभिन्न विषयों, राइट, महामारी विज्ञान के विभिन्न विषयों तथा संचारी रोगों पर नियंत्रण में शिक्षा और अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय केंद्र विकसित करने के लिए समर्पित है। अर्थात राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र राष्ट्रीय केंद्र विकसित करता है किसके लिए, ताकि महामारी विज्ञान के विभिन्न विषयों पर शिक्षण हो सके, अनुसंधान हो सके, साथ ही साथ संचारी रोगों पर नियंत्रण के लिए शिक्षण हो सके और अनुसंधान हो सके। और जो राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र है ये भारत सरकार के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन होता है। जो राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र है इसके मुख्यालय में कई तकनीकी विभाग हैं, राइट, और वो तकनीकी विभाग जैसे पहला हो जाएगा महामारी विज्ञान, राइट, तो पहला हो जाएगा यहाँ पर महामारी विज्ञान और परजीवी रोग केंद्र, तो महामारी विज्ञान और परजीवी रोग केंद्र, राइट, जिसका नाम हो जाएगा महामारी विज्ञान विभाग और परजीवी रोग विभाग हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग, पशुजन्य रोग विभाग, HIV एड्स और संबंधित रोग केंद्र, चिकित्सा कीट विज्ञान केंद्र और वेक्टर प्रबंधन, मलेरिया विभाग और समन्वय, राइट, जैव रसायन और जैव प्रौद्योगिक विभाग, ये इस संस्थान के मुख्यालय में कई प्रकार के क्या हैं, विभाग हैं। और इसकी स्थापना जन स्वास्थ्य उन्मुख या प्रयोगशाला आधारित राष्ट्रीय सुविधा के तौर पर काम करने के लिए की गई है, जो कि हमारे देश में अकादमिक जो केंद्र हैं, राइट, उनमें सूक्ष्म जीवों, राइट, जैसे सूक्ष्म जीवों में विषाणु भी आ जाएगा, बैक्टीरिया हो जाएगा, वायरस हो जाएगा, फंगस हो जाएगा, राइट, इन पर स्वतंत्र रूप से शोध हो सके, शिक्षण हो सके, राइट, और प्रयोगशाला के माध्यम से, राइट, ये कार्य कर सके, तो इन ये जो जितनी भी बीमारियां हैं, राइट, या इनसे जनित जो जितनी भी महामारी है या संक्रामक जितने भी संक्रामक रोग हैं उनसे संबंधित शोध एवं अनुसंधान हो सके। अब जो राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र है इसके उद्देश्यों को समझेंगे तो सबसे पहला तो क्या हो जाएगा कि संचारी रोगों की निगरानी के लिए राष्ट्रीय संस्था की निर्माण करना या भूमिका में योगदान देना। हमारे देश में जैसे ही मौसम परिवर्तन होता है तो मच्छरों की वजह से या अन्य किसी वजह से संक्रामक रोग बड़े पैमाने पर क्या होते हैं, फैलते हैं, राइट, तो संचारी रोगों की निगरानी के लिए, अच्छा देखिए जो संचारी रोग होते हैं अगर हम उनकी निगरानी पहले से ही कर लेते हैं तो उचित उपाय करके हम उन रोगों को फैलने से रोक सकते हैं, अन्यथा अगर कोई संक्रामक रोग बड़े पैमाने पर फैल जाएगा तो उसका पूरी अर्थव्यवस्था पर और पूरे देश पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। तो इसका पहला उद्देश्य क्या है हमारे देश में, राइट, तो पहला उद्देश्य हो जाएगा संचारी रोगों की निगरानी के लिए राष्ट्रीय संस्था की भूमिका निभाना, राइट। दूसरा हो जाएगा हमारे देश में चालू एवं व्यवस्थित तरीके से संचारित रोगों के आंकड़ों को एकत्रित करना, उनका विश्लेषण करना और उनकी व्याख्या करना,
राइट। तो वर्तमान समय में जो भी बीमारी फैल रही है उनके आंकड़ों को एकत्रित करना, उनका विश्लेषण करना कि किस क्षेत्र में संक्रमण की दर कितनी है, संक्रमण कितना तेजी से बढ़ रहा है, राइट, उसका पीक कब आने वाला है एवं उसकी व्याख्या करना, राइट। साथ ही साथ अगर किसी क्षेत्र में नए संक्रमण फैल रहा है तो नए संक्रामक रोगों की आपात स्थिति के लिए और पूर्व में नियंत्रित किए जा चुके जो संक्रामक रोग हैं उनके आयात पर लगातार और व्यवस्थित निगरानी करना, ताकि जो नए संक्रमित रोग हैं वो किसी दूसरे देश से आयत ना हो पाए। जैसे कोरोना, भाई उसकी उत्पत्ति चीन में हुई थी लेकिन वो आयात होकर कहाँ पर आ गया, या संक्रमण के माध्यम से भारत आ गया। तो जो नए संक्रामक रोग हैं उनके आयात एवं पुराने जो संक्रामक रोग हैं उनको फैलने से रोकना या उनकी निगरानी करना। साथ ही साथ संक्रामक रोगों पर समय से एवं कुशलतापूर्वक प्रतिक्रिया देने में सक्षम होने के क्रम में संक्रामक रोगों की उनके आरंभिक चरण में ही क्या करना, पहचान करना। कोई भी संक्रमण बीमारी है तो शुरू में ही उसकी पहचान कर लेना, राइट। फिर उसका अन्वेषण कर लेना, अनुसंधान कर लेना कि वो बीमारी कितनी तेजी से फैलेगी, कितनी घातक है, शरीर के कौन से अंग को जो है प्रभावित करेगी, और इस सब में विश्लेषण करके महामारी की आशा व्यक्त करना और उसकी जानकारी लोगों को अवगत कराना, ताकि लोग भी उस जानकारी के माध्यम से अपने आप को जो है बचा सके। साथ ही साथ जो क्षेत्रीय जन स्वास्थ्य संचारी रोगों की समस्याओं से संबंधित प्रश्न है उनका उत्तर देने के लिए और प्रासंगिक अनुसंधान करना। साथ ही साथ NICD द्वारा जो तैयार किए गए आंकड़े हैं एवं उनकी जानकारी, राइट। तो जो राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र है, राइट, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र है, उसके द्वारा जितने भी आंकड़े जुटाए गए हैं उन पे जो भी विश्लेषण हुआ है, जो भी अनुसंधान हुआ है, उन आंकड़ों को त्वरित एवं लगातार उन लोगों तक, उन अधिकारियों तक पहुंचाना जिनके लिए जिनके लिए ये सूचना बहुत ही जरूरी है संक्रमण रोकने के लिए, इसके लिए औपचारिक संरचना की स्थापना करना कि भाई वो जो है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में कम्युनिकेट हो जाएगा। तो जो राष्ट्रीय संस्थान है इसके द्वारा जो आंकड़े हैं, जानकारी, वो जरूरत के उन लोगों तक पहुंचाने के लिए औपचारिक संरचना तैयार करना, ताकि जो भी आंकड़े हैं वो आसानी से लोकल एडमिनिस्ट्रेशन तक या जो भी जिम्मेदार लोग हैं वहाँ तक पहुँच जाए, राइट। अगली संस्था हो जाएगी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक, क्या हो जाएगा, प्राधिकरण हो जाएगा। तो भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण हो जाएगा। देखिए, एक ओर हमारे देश में किसानों की आय को दोगुना करने के लिए सरकार प्रयासरत है और इसके लिए खाद्य प्रसंस्करण या फूड प्रोसेसिंग एक उन्नत तरीका है। तो फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से किसानों की आय को दोगुना किया जा सकता है, क्योंकि जो रॉ मटेरियल होता है उसके दाम कम होते हैं, लेकिन यदि फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा दिया जाता है तो उससे हमारे देश में जो भी खाद्यान्न है उनको बड़े पैमाने पर विभिन्न उत्पादों में परिवर्तित किया जा सकता है, और इसके माध्यम से हम देश के अलग अलग क्षेत्रों में उसको एक तरीके से सप्लाई कर सकते हैं और साथ ही साथ एक्सपोर्ट करके हमारे देश की GDP को बढ़ा सकते हैं और किसानों की आय को भी दोगुना कर सकते हैं या किसानों की आय बढ़ा सकते हैं। परंतु इसमें एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज पर अच्छे से निगरानी नहीं की गई तो ये हेल्थ के लिए भी उतना ही जो है नुकसानदायक, उतना ही नुकसानदायक भी साबित हो सकता है। उदाहरण के लिए कई जो पैकेज्ड फूड होते हैं उसमें कई केमिकल्स का या कई ऐसे तत्वों का समावेश होता है जो कि स्वास्थ्य के लिए नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो मैगी, भाई मैगी में जो है मैगी को बैन कर दिया गया था क्योंकि उसमें अवांछित तत्वों की जो मात्रा है उससे अधिक पाई गई थी, राइट। और अगर इस तरीके से अगर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में ग्रोथ होगी तो उससे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा। या हालिया जो है कोर्ट ने एक फैसला दिया है कि किसी भी स्कूल के
आसपास जंक फूड की जो शॉप्स हैं वो ओपन नहीं होंगी, क्योंकि बच्चे जंक फूड खाकर मोटापे का शिकार हो रहे हैं और मोटापा हमारे देश की एक नई समस्या बनती जा रही है, राइट। अब अगर हम देखें तो हमारे देश में एक ओर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की ग्रोथ हो और दूसरी ओर हमारे देश के नागरिकों के हेल्थ पर भी नेगेटिव इफेक्ट ना हो, इसके लिए कोऑर्डिनेशन करने के लिए एक संस्था है और वो कौन सी है, भारतीय खाद्य सुरक्षा और क्या हो जाएगी, मानक प्राधिकरण हो जाएगी। और जो भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण है ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के अंतर स्थापित एक क्या है, स्वास्थ्य निकाय है। इसका उद्देश्य एवं इसका कार्य इसके नाम में ही छुपा है। इसका जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो है खाद्य सुरक्षा, अर्थात बाजार में जो भी रॉ मटेरियल है या जो भी पैकेज्ड फूड है वो स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित है या नहीं, कोई दुकानदार उसमें मिलावट करके तो नहीं बेच रहा है या प्रोसेस्ड फूड में कोई अवांछित तत्व तो मौजूद नहीं है जो स्वास्थ्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। तो खाद्य सुरक्षा को ध्यान देना एवं मानक प्राधिकरण, अर्थात हमारे देश में खाद्य पदार्थों में कोई तत्व, राइट, चाहे वो बसा हो या फिर कोई भी तत्व हो जाएगा, उसका स्टैंडर्ड जो है, स्टैंडर्ड मात्रा या स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, राइट, तो ये उसका क्या करता है, मानक निर्धारित करता है, राइट। तो इस तरीके से भारत में खाद्य सुरक्षा अर्थात खाद्य पदार्थों का स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव ना पड़े इसके लिए एवं खाद्य पदार्थों में विभिन्न तत्वों के मानक को निर्धारण करने के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। और ये एक राष्ट्रीय स्तर का क्या है, संगठन होता है जिसका कार्य, जिसका उद्देश्य एवं कार्य क्या है, इसका उद्देश्य खाद्य सुरक्षा के लिए विनियमन करना, अर्थात खाद्य सुरक्षा के लिए विभिन्न प्रकार के मानक तैयार करना कि पैकेज्ड फूड में इस तत्व की कैडमियम जो है नाइट्रोजन हो जाएगा या कैडमियम हो जाएगा या अन्य जो भी तत्व हैं उनकी इतनी मात्रा होनी चाहिए, साथ ही साथ पर्यवेक्षण के जो है माध्यम से सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करना और स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। अगली संस्था हो जाएगी राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, राइट। तो राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की स्थापना वर्ष 2000 में, राइट, वर्ष 2000 में की गई थी। तो राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की स्थापना सन 2000 में की गई थी, परंतु इसको 11 अप्रैल 2005 को इसका पुनर्गठन भी किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, हमारे देश में जो जनसंख्या विस्फोट की स्थिति बनी हुई है इसको नियंत्रित करना, अर्थात हमारे देश में जनसंख्या की नीति, राष्ट्रीय जो जनसंख्या नीति है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की समीक्षा करना और उसके क्रियान्वयन पर निगरानी रखता है। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, जबकि जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री है तथा नीति आयोग के उपाध्यक्ष इसके उपाध्यक्ष होते हैं। और राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग में कुल 40 क्या होते हैं, पदेन सदस्य होते हैं। तो राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग में 40 पदेन सदस्य होते हैं, अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, उपाध्यक्ष स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री तथा नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं वो इसके उपाध्यक्ष होते हैं। अब राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के मुख्य कार्यों पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा, भारत में जनसंख्या नियंत्रण के लिए अंतर क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, ताकि हमारे देश के प्रत्येक क्षेत्र में लोग परिवार नियोजन को अपनाएं तथा जनसंख्या नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। साथ ही साथ नियोजन एवं क्रियान्वयन में सोसाइटी को शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना, क्योंकि परिवार नियोजन जब एक जन आंदोलन बन जाएगा तभी लोग परिवार नियोजन को अपनाएंगे। साथ ही साथ जनसंख्या नीति के लक्ष्य के समर्थन के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की संभावना जो है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की संभावना की तलाश करना। साथ ही साथ जनसंख्या नियंत्रण की दृष्टि से जो कमजोर राज्य हैं उनका प्रशासन या उनके कामकाज को सुधारना, ताकि उन राज्यों में भी जनसंख्या नियंत्रण आसानी से हो सके। अगला हो जाएगा यहाँ पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केंद्र, राइट। तो हमारे देश में
हमारे देश में स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन के लिए या परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए कई केंद्रों की स्थापना की गई है, और उनमें से जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केंद्र है ये भारत के 47 प्रशिक्षण केंद्रों में से एक होता है, राइट। और चूंकि इसका नाम क्या है, प्रशिक्षण केंद्र, अर्थात यहां पर जो है प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाता है। किसका प्रशिक्षण या आयोजन करवाया जाता है, तो यह विभाग सरकार के जो चिकित्सा है, स्वास्थ्य है या पोषण कार्यकर्ताओं के लिए विभिन्न अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करा रहा है, तो इसका नाम ही क्या है, प्रशिक्षण केंद्र। और ये किसका प्रशिक्षण कराता है, तो भारत सरकार के चिकित्सा, स्वास्थ्य या पोषण जो कार्यकर्ता हैं उनके लिए अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन कराता है, ताकि भारत सरकार के ये जो कार्यकर्ता हैं ये अपनी रिस्पेक्टिव फील्ड में बहुत ही अच्छे से परफॉर्म कर सकें। साथ ही साथ ये वर्तमान में राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी तमिलनाडु के माध्यम से राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन द्वारा वित्त पोषित विभिन्न प्रकार के जो प्रशिक्षण कार्यक्रम हैं उनका आयोजन एवं संचालन करता है। साथ ही साथ इसके द्वारा जो संचालित एवं जो प्रशिक्षण कार्यक्रम होते हैं विशेष रूप से गांव में रहने वाले लोगों की स्वास्थ्य स्थिति को ऊपर उठाने के लिए जो है होते हैं। अब अगला हो जाएगा यहां पर इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, IR क्या हो जाएगा, CS हो जाएगी। तो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी हमारे देश का एक स्वास्थ्य संगठन है, और मजे की बात यह है कि ये एक स्वैच्छिक मानवीय संगठन है, राइट। तो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जो संगठन है ये एक स्वैच्छिक मानवीय संगठन है जिसकी स्थापना 1920 में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी अधिनियम के तहत की गई थी। यह स्वैच्छिक मानवीय संगठन है जो कि शिक्षा के, चिकित्सा के क्षेत्र में या स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो है सराहनीय कार्य करता है, परंतु इस संस्थान की, इस संस्था की भी एक तरीके से बढ़ावा देने के लिए जो है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जो है इस सोसाइटी के क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। तो इंडियन रेड क्रॉस जो सोसाइटी है इसके अध्यक्ष केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जो है इसके अध्यक्ष होते हैं, और महासचिव इसका मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। वर्तमान समय में हमारे देश में केंद्र देश में राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में इसकी 36 जो है शाखाएं हैं, जिनमें 36 शाखाएं हैं जिनकी 1100 से अधिक जिलों और उपजिलों में क्या है शाखाएं होती हैं। और ये जो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी है ये आपदाओं या आपात स्थितियों के समय राहत प्रदान करता है कमजोर लोगों और समुदाय के स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देता है, राइट। तो जो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी है ये आपदा के समय या आपात की स्थितियों में राहत सामग्री पहुंचाता है कमजोर लोगों और जो विभिन्न वंचित समुदाय हैं उनके स्वास्थ्य और देखभाल को बढ़ावा देता है। साथ ही साथ जो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी है ये दुनिया के सबसे बड़े स्वतंत्र मानवीय संगठन जो कि कौन सा हो जाएगा, इंटरनेशनल रेड क्रॉस एंड क्रिसेंट मूवमेंट का भी क्या है, एक सदस्य है। अब अगला हो जाएगा राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान, राइट। तो राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान ये भी करंट अफेयर्स से जुड़ा हुआ मामला है, तो इसको भी अच्छे से तैयार करें। तो राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान की स्थापना जून 1981 में एक स्वायत्त संस्था के रूप में की गई थी, और इस संस्थान में जो है अनुसंधान के क्षेत्रों को 4 व्यापक क्षेत्र, जिसमें से पहला क्या हो जाएगा संक्रमण और प्रतिरक्षा हो जाएगा, दूसरा आणविक डिजाइन, तीसरा जीन विनिमय एवं चौथा प्रजनन और विकास में बांटा गया है। जो राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान है यह संस्थान टीके एवं नशीली दवाओं के विकास में शोध कार्य भी करता है, राइट। तो राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान प्रतिरक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान कार्यों को बढ़ावा देता है, साथ ही साथ टीके एवं नशीली दवाओं के विकास में भी शोध कार्य करता है, राइट। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान शोध में सार्वजनिक क्षेत्र के महत्व के रोग जनकों के प्रति
जो श्रेष्ठ इम्यूनोजेंस है, कैंसर रोधी जो एजेंट्स हैं एवं चिकित्सकीय इनहिबिटरों की जो डिजाइन है, इस पर ध्यान केंद्रित करता है। क्लियर। चलिए अगला हो जाएगा यहां पर नेशनल एकेडमी ऑफ क्या हो जाएगा, मेडिकल साइंसेस हो जाएगा। तो जो नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेस है, इसकी स्थापना 21 अप्रैल 1961 को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत की गई थी। राइट। तो नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेस को 21 अप्रैल 1961 को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1960 के तहत भारतीय चिकित्सा विज्ञान अकेडमी के रूप में पंजीकृत किया गया था। यह चिकित्सा और सामाजिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अपने संसाधन के रूप में शैक्षणिक उत्कृष्टता को क्या करता है, बढ़ावा देता है। इस संस्था के हम कार्यों को यहां पर समझते हैं। तो जो नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज है, यह अकादमी भारत सरकार द्वारा चिकित्सा और संबंध जो स्वास्थ्य पेशेवर हैं उनकी सशक्त शिक्षा के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में क्या करती है, नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है और इसको इसकी मान्यता भी दी गई है। साथ ही साथ जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति है एवं जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना है उनके मामलों में भी यह भारत सरकार को क्या करती है, सलाह देती है। यह अकादमी देश भर में जो CME कार्यक्रम है, संगोष्ठी कार्यशालाएं हैं, इनको भी प्रोत्साहित करती है। साथ ही साथ चिकित्सा और संबंध विज्ञान के क्षेत्र में भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा दी गई उत्कृष्ट उपलब्धियों को ये मान्यता दे दी है। इसके अतिरिक्त कुछ मेडिकल कॉलेजों के बीच जो टेली लिंक स्थापित है वो इसके माध्यम से किया गया है। जो CME कार्यक्रम है उसकी पहुंच में सुधार करने के लिए भी इस संस्था ने महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। अगली हो जाएगी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। राइट। तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, राइट, तो जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है, ये भारतीय संसद के द्वारा पारित अधिनियम, कौन सा अधिनियम है, फार्मेसी अधिनियम 1948। तो यह फार्मेसी अधिनियम 1948 के तहत जो है इसकी स्थापना की गई है। और इसका महत्वपूर्ण कार्य क्या है कि भारत में स्नातक स्तर की जो फार्मेसी शिक्षा है एवं पेशे है, राइट, को इसके द्वारा विनियमित किया जाता है। तो भारत में स्नातक स्तर की फार्मेसी शिक्षा एवं पेशे को फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा विनियमित किया जाता है। इसका उद्देश्य एवं कार्य क्या है, जो फार्मेसी अधिनियम के तहत फार्मासिस्ट के रूप में पंजीकरण के उद्देश्य से देश में फार्मेसी शिक्षा का जो है विनियमन करना, इसका पहला उद्देश्य हो जाएगा। साथ ही साथ फार्मेसी के पेशे और अभ्यास का विनियमन करना इसका दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य एवं कार्य है। अगला हो जाएगा ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ये भी चर्चा में है, यहां से भी 5 नंबर के प्रश्न पूछा जा सकता है। राइट। सबसे पहली चीज तो यह है कि जो ड्रग कंट्रोलर, राइट, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया किसके तहत आता है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत आता है। साथ ही साथ यह है भारत सरकार के केंद्रीय ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन विभाग का क्या होता है, प्रमुख होता है। तो यह है भारत सरकार के केंद्रीय ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन विभाग का प्रमुख होता है, जो कि रक्त और रक्त उत्पादों, टीके, विभिन्न प्रकार की दवा, राइट, दवाओं की जो विभिन्न श्रेणियां है उसके लिए लाइसेंस के अनुमोदन के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है। राइट। कुल मिलाकर कोई भी दवा जब मार्केट में लॉन्च होती है, राइट, तो मार्केट में लॉन्च होने से पहले उसको अच्छे से उस पर रिसर्च की जाती है। राइट। अगर धोखे से अगर उस दवा में कोई हानिकारक साइड इफेक्ट हुए तो उससे जनसंख्या बहुत बुरे पैमाने पर क्या होती है, प्रभावित होती है। जैसे वैक्सीन्स को क्यों जो है हमने पिछले लेक्चर में उसके निर्माण की पूरी पूरी प्रक्रिया समझी थी। अगर वैक्सीन को या किसी भी मेडिसिन को पहले
पहले बहुत अच्छे से उस पर रिसर्च या एनालिसिस के बगैर अगर उसको मार्केट में उपलब्ध करा दिया जाएगा तो लोग उसको खरीद लेंगे और हो सकता है उनका स्वास्थ्य पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है, ये रक्त उत्पाद हैं, टीके हैं या विभिन्न प्रकार की दवाएं हैं, इनके लिए लाइसेंस के अनुमोदन के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है। साथ ही साथ जो डीसीजीआई है, ये दवाओं के निर्माण, दवाओं की बिक्री, आयात और वितरण के लिए भी क्या करता है, मानक निर्धारित करता है। क्लियर। अगला हो जाएगा नारी या नेशनल एड्स रिसर्च इंस्टीट्यूट हो जाएगा, तो राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्था हो जाएगा। अब इसमें एड्स ही जुड़ा है तो आपको समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1952 में की गई थी और यह भारत में एचआईवी एड्स पर बायोमेडिकल रिसर्च है, राइट, बायोमेडिकल रिसर्च के लिए इसकी स्थापना की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है पुणे में स्थित है। साथ ही साथ यह नेशनल एड्स रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है भारतीय आयुर्वेद अनुसंधान परिषद के द्वारा क्या है, संचालित है। तो नेशनल एड्स रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है एक अनुसंधान संस्थान है, अर्थात यहाँ पर अनुसंधान रिसर्च किया जाता है और ये किसके द्वारा संचालित है, ICMR के द्वारा। यह जैव चिकित्सा अनुसंधान के निर्माण, समन्वय और संवर्धन के लिए भारत में एक शीर्ष निकाय भी है, राइट। अगला हो जाएगा भारतीय नर्सिंग परिषद हो जाएगा या इंडियन नर्सिंग क्या हो जाएगा, काउंसिल हो जाएगा। तो भारतीय नर्सिंग परिषद या इंडियन नर्सिंग काउंसिल की स्थापना भारतीय नर्सिंग परिषद अधिनियम 1947 के तहत की गई थी। तो इसकी स्थापना भारतीय नर्सिंग परिषद अधिनियम 1947 के तहत की गई थी, अर्थात इंडियन नर्सिंग काउंसिल एक वैधानिक निकाय है और यह परिषद भारत में जो नर्सें हैं या दाइयें हैं या ANM है या लेडी हेल्थ जो विजिटर्स हैं, राइट, तो नर्सें, दाइयें, ANM या लेडी हेल्थ विजिटर्स के लिए प्रशिक्षण के समान मानकों के विनियमन और नियंत्रण के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है। साथ ही साथ नर्सिंग के जो पाठ्यक्रम होते, राइट, उनके मानकों का निर्धारण भी भारतीय नर्सिंग काउंसिल के द्वारा किया जाता है। तो नर्सिंग के पाठ्यक्रम हो या नर्सिंग से संबंधित जो जितने भी अधिकारी हैं, जैसे नर्सेस, दाइयां, ANM, हेल्थ विजिटर्स, उनका प्रशिक्षण के मानक निर्धारित करना और पाठ्यक्रम के लिए मानक और नियमों को निर्धारित करना भारतीय नर्सिंग जो परिषद है उसका महत्वपूर्ण कार्य और उद्देश्य। अगला हो जाएगा केंद्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो। तो देखिए, जो केंद्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो है यह स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अधीन चिकित्सा शिक्षा के नियमता एक प्रमुख क्या है, संगठन है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली में है। इसके कार्यों में महत्वपूर्ण ये है कि यह स्वास्थ्य एवं गैर स्वास्थ्य जो पेशेवर हैं इनकी विभिन्न स्तरों पर दीर्घकालिक और अल्पकालिक जो है प्रशिक्षण प्रदान करता है, राइट। तो केंद्रीय स्वास्थ्य ब्यूरो जो हेल्थ और गैर स्वास्थ्य जो पेशेवर हैं उनका अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक प्रशिक्षण प्रदान करता है। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण क्या हो जाएगा, संगठन हो जाएगा। तो राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण की स्थापना 1992 में हुई थी, राइट, कब हुई थी, 1992 में। तो नाको की स्थापना 1992 में हुई थी और इसको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन इसकी स्थापना हुई थी। इसका महत्वपूर्ण कार्य क्या है कि यह एड्स की रोकथाम और नियंत्रण के लिए, एड्स की रोकथाम और नियंत्रण के लिए कार्यक्रमों या योजनाओं के निर्धारण और क्रियान्वयन के लिए एक समर्पित क्या है, संस्थान है। और वर्तमान समय में नाको को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के साथ में मिला दिया है। अगला हो जाएगा राष्ट्रीय पोषण संस्थान। तो जो राष्ट्रीय पोषण संस्थान है यह सार्वजनिक स्वास्थ्य, पोषण और परिवर्तित स्वास्थ्य संबंधित क्या है, अनुसंधान केंद्र है, राइट। तो राष्ट्रीय पोषण संस्थान है वो सार्वजनिक स्वास्थ्य और पोषण और परिवर्तित स्वास्थ्य से संबंधित क्या है,
अनुसंधान केंद्र है। ये कहाँ पर है? हैदराबाद में अवस्थित है और यह भारत के पुराने अनुसंधानों में से एक है। अगला हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ, क्या हो जाएगा? वायरोलॉजी हो जाएगा। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है ये एक विषाणु विज्ञान अनुसंधान संस्थान है, राइट। तो ये एक विषाणु विज्ञान अनुसंधान संस्थान है जहाँ पर विषाणु को लेकर अनुसंधान या रिसर्च की जाती है। यह है भारतीय अनुसंधान परिषद जो है ICMR के अधीन कार्यरत है और यह पहले वायरस रिसर्च सेंटर के रूप में जाना जाता था, राइट, जिसे रॉक फिल्टर फाउंडेशन के सहयोग से स्थापित किया गया था और वर्तमान समय में जो विषाणु है, वायरस है, उस पर रिसर्च की जाती है। साथ ही साथ जो विषाणु जनित जितनी भी बीमारियां हैं उन पर भी यहां पर जो है शोध कार्य किए जाते हैं। वर्तमान समय में इस संस्था को WHO के साथ एशिया में अनुसंधान के लिए भी जो है वो नामित किया गया। वहीं अगर हम देखें तो कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए या कोरोना वायरस पर भी नियंत्रण में, कोरोना वायरस पर भी अनुसंधान में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगला हो जाएगा नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल, क्या हो जाएगा? साइंसेस हो जाएगा। तो नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेस ये जैविक अनुसंधान से संबंधित क्या है? एक उच्च स्तरीय अनुसंधान केंद्र है। यह भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च है उसका एक सहायक क्या है? संस्थान है। इसका मुख्य उद्देश्य है जीव विज्ञान के प्रमुख क्षेत्रों में बुनियादी और अंतर जो विषयी अनुसंधान करना है और ये बेंगलोर में क्या है? अवस्थित है। अगला हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं क्या हो जाएगा? अनुसंधान केंद्र हो जाएगा। इस संस्थान की स्थापना 1923 में फ्रांस सरकार द्वारा इकेलो डे मेडिसिन डी पॉडिचेरी के रूप में की गई थी, राइट, और सन 1956 में इसे नए मेडिकल कॉलेज के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था। साथ ही साथ वर्ष 2008 में यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन जो है के अधीन हो गया है और इसे राष्ट्रीय महत्व की एक संस्था भी जो है घोषित कर दिया गया है। ये जो संस्थान है इसकी महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह स्वास्थ्य के क्षेत्र में शिक्षण अनुसंधान और रोगियों की देखभाल के लिए, राइट, इसकी स्थापना की गई है या इसकी स्थापना के लिए कार्यरत है। इसके साथ ही यह स्नातक से लेकर अति विशिष्ट जो है तक का शिक्षण प्रदान ये करने के लिए जाना जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर विशेष अनुसंधान भी आयोजित किए जाते हैं, राइट, जो कि सर्वोच्च श्रेणी की देखभाल सेवा जो है प्रदान करने के लिए होते हैं और इसी वजह से यह हमारे देश के 5 सर्वोच्च चिकित्सा संस्थानों में सम्मिलित है। अगला हो जाएगा अखिल भारतीय स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य संगठन, राइट, यह स्वास्थ्य क्या हो जाएगा? संस्थान हो जाएगा। तो अखिल भारतीय स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य संगठन ये दक्षिण पूर्वी एशिया में पब्लिक हेल्थ के पहले स्कूल के रूप में 1932 में स्थापित किया गया था, राइट, और वर्तमान समय में यह सार्वजनिक स्वास्थ्य और संबंध क्षेत्रों के विभिन्न विषयों में शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए समर्पित एक विशेष क्या है? संस्थान है, राइट। साथ ही साथ यह क्षमता निर्माण, सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्षमता निर्माण सुनिश्चित करने के लिए भी शिक्षण अनुसंधान में निरंतर जो है क्या है? प्रयासरत एक महत्वपूर्ण संस्थान है। ये संस्थान जो है ये जैव रसायन और पोषण, महामारी विज्ञान, स्वास्थ्य संवर्धन और शिक्षा, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, माइक्रोबायोलॉजी, व्यावसायिक स्वास्थ्य, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रशासन जैसे विभिन्न विषयों के लिए भी ये क्या है? प्रयासरत है। अगली जो संस्थान हो जाएगा अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा और पुनर्वास, क्या हो जाएगा? संस्थान हो जाएगा। तो ये भी भारतीय सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय के तहत
भौतिक चिकित्सा पुनर्वास, तो भौतिक चिकित्सा पुनर्वास के क्षेत्र में एक सर्वोच्च संस्थान है, राइट। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1955 में की गई थी। और यह संस्थान पुनर्वास के क्षेत्र में सेवाएं प्रदान करता है, प्रशिक्षण प्रदान करता है और अनुसंधान करता है, राइट। और इन सब के लिए ये एक प्रतिबद्ध संस्थान है। अगला हो जाएगा केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद हो जाएगा। तो हमारे देश में प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों और विशेषकर कौन सी हो जाएगी? होम्योपैथिक चिकित्सा, राइट। तो वर्ष 1973 में देश की प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों हेतु संसद ने देश में होम्योपैथी शिक्षा और प्रैक्टिस को विनियमित करने के लिए होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अधिनियम पारित किया था और इसे औपचारिक रूप से 30 मार्च 1978 को आयुष विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन के रूप में गठित किया गया था। तो आयुष विभाग का एक स्वायत्त संगठन के रूप में गठित कब हुआ था? 30 मार्च 1978 को हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। और इसके द्वारा 22 संस्थान या इकाइयों के नेटवर्क के माध्यम से बहुकेंद्रीय जो अनुसंधान कार्य किया जाता है, राइट। और ये जो परिषद है, राइट, अनुसंधान परिषद, यह परिषद आयुष में समन्वय, विकास, प्रसार एवं वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देती है। क्लियर। अगला हो जाएगा यहाँ पर राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ, जो कि कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। तो राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ नई दिल्ली में अवस्थित है और यह है आयुष विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन है जिसका सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत 1988 में इसको पंजीकृत किया गया था। यह संस्थान गुरु शिष्य परंपरा अर्थात ज्ञान के हस्तांतरण की पारंपरिक विधि के अंतर्गत 28 साल की उम्र से कम आयुर्वेदिक स्नातकों और 33 साल की उम्र से कम के स्नातकोत्तरों को उन्नत व्यवहारिक क्या करता है? प्रशिक्षण प्रदान करता है। साथ ही साथ राष्ट्रीय आयुर्वेदिक जो विद्यापीठ है ये सदस्यों को 2 साल का पाठ्यक्रम आयुर्वेदिक संहिताओं पर तथा टिप्पणियों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए और संहिताओं के लिए अच्छा शिक्षक के लिए जो है भी प्रयास करता है, अनुसंधानकर्ता और विशेषज्ञ बनाने के लिए ज्ञान अर्जन हेतु क्या करता है? साहित्यिक अनुसंधान की सुविधा प्रदान करता है। अगला हो जाएगा यहाँ पर राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड, जिसकी स्थापना 2000 में की गई थी और यह संबंधित मंत्रालय, विभागों और एजेंसियों की परामर्शदात्री इकाई के रूप में कार्यरत है। चूंकि औषधीय पादप बोर्ड है तो इसका कार्य क्या है? देश में औषधीय पौधों से संबंधित सभी विषयों के संदर्भ में समन्वय करने वाला यह सर्वोच्च राष्ट्रीय निकाय है। तो देश में औषधीय पौधों से संबंधित सभी विषयों के संदर्भ में समन्वित करने वाला सर्वोच्च निकाय है। साथ ही साथ यह औषधीय पौधों की खेती, संरक्षण तथा इनके चहुमुखी विकास संबंधी कार्यक्रम के लिए भी वित्तीय सहायता की योजना बनाने तथा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने और औषधीय पौधों से संबंधित गतिविधियों के लिए कार्य नीति बनाने में परामर्श देता है। क्लियर हो जाएगा। अगला हो जाएगा राष्ट्रीय आरोग्य निधि, राइट। तो राष्ट्रीय आरोग्य निधि की जो है वर्ष 1997 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत, तो 1977 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय रोग सहायता जो है राष्ट्रीय रोग सहायता कोष की स्थापना की गई थी और इसका वर्तमान में नाम बदल कर क्या कर दिया? राष्ट्रीय आरोग्य निधि कर दिया। दरअसल हमारे भारत में कई रोग ऐसे होते हैं जो कि विशिष्ट कारक के लिए होते हैं और जिनके लिए अधिक से अधिक रुपयों की क्या होती है? आवश्यकता होती है। और यदि कोई मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति अगर किसी विशेष रोग से ग्रसित हो जाता है तो उसके इलाज के लिए उसके पास में उतने अधिक पैसे नहीं होते हैं। इसके लिए ही जो है राष्ट्रीय रोग सहायता कोष की स्थापना की गई थी जिसे वर्तमान में क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आरोग्य निधि।
तो देश के 18 राज्यों में इस कोष की स्थापना की गई है। और यदि किसी व्यक्ति को कोई विशेष रोग हो जाता है तो रोगी को 50,000 रुपए की जो है तात्कालिक जो है सहायता दी जाती है। साथ ही साथ ऐसे लोगों को सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों, संस्थानों और अस्पतालों में उपचार की व्यवस्था की गई है जो कि जानलेवा विशिष्ट बीमारियों से पीड़ित है। साथ ही साथ यह रोगियों को एक मुफ्त जो है अनुदान के रूप में यह राशि उपलब्ध कराई जाती है। और दरअसल यह चिकित्सा अधीक्षक को प्रेषित की जाती है जिसके माध्यम से जो है उस अस्पताल में उस रोगी का इलाज किया जाता है। फिर अगला हो जाएगा जनसंख्या अनुसंधान केंद्र। तो हमारे देश में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रमों और नीतियों से संबंधित महत्वपूर्ण जो अनुसंधान आधारित इनपुट प्रदान करने के लिए जनसंख्या अनुसंधान केंद्रों को स्थापित किया है। साथ ही साथ ये जो जनसंख्या अनुसंधान केंद्र होते हैं ये परिवार नियोजन, जनसंख्यकीय जो अनुसंधान हो जाएगा, जैविक अध्ययन हो जाएगा, जनसंख्या नियंत्रण के गुणात्मक पहलू से संबंधित अनुसंधान जो परियोजनाएं हैं इनके उत्तरदायित्व के निर्वहन के लिए स्थापित किए गए हैं, ताकि जो भी योजना है उनका निर्माण हो सके, रणनीतियां लागू हो सके और 40 योजनाओं के लिए इनके माध्यम से प्रतिक्रियाओं का लाभ भी लिया जा सके। जो पीआरसी केंद्र कितने हैं तो वर्तमान में भारत में 18 पीआरसीज हैं। पहला पीआरसी जो था आर्थिक विकास संस्थान दिल्ली विश्वविद्यालय 1958 में स्थापित किया गया था और अंतिम डॉक्टर हरीश हैगोर विश्वविद्यालय सागर में 1999 में स्थापित किया गया था। अगला हो जाएगा सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये भी 5 नंबर में प्रश्न पूछे जाने वाला क्या है प्रश्न है जो कि करंट में न्यूज है, राइट। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का महत्व ये है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भारत का निजी क्षेत्र का एक संस्थान है और भारत का यह निजी क्षेत्र का संस्थान विश्व में सर्वाधिक टीका उत्पादन करने वाला संस्थान है जिसकी स्थापना 1966 में साइरस पूनावाला के द्वारा की गई थी जो कि पूना महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। साथ ही साथ ये टीकों के निर्माण के साथ साथ प्रतिरक्षा दवाइयों की भी जो है उत्पादन किया जाता है और यहाँ पर उनका अनुसंधान किया जाता है। तो अनुसंधान किया जाता है और उत्पादन किया जाता है। साथ ही साथ इसके द्वारा वैक्सीन जैसे पोलियो बैग, रोटा बैग के जो है टीका बनाए जाते हैं। और वर्तमान समय में अगर हम देखें तो हमारे देश में जो सबसे अधिक टीकाकरण किया गया है कोरोना के लिए वो है कोविशील्ड। तो कोविशील्ड वैक्सीन का जो है मैन्युफैक्चरिंग है वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा ही की गई है। हालांकि जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा जो वैक्सीन बनाई गई है कोविशील्ड, इसके विकास में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और जो एस्ट्राजेनिका एवं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के संयुक्त प्रावधान में इसको विकसित किया गया है जिसको भारत में इसका उत्पादन सीरम इंस्टीट्यूट ने किया है। फिर अगला हो जाएगा भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड। तो भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड भी भारत की एक निजी क्षेत्र की कंपनी है या निजी क्षेत्र का क्या है संस्थान है और यह संस्थान टीकों के निर्माण के लिए अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य करता है। इसके द्वारा रोटापैक, कोवैक्सीन, राइट, इसको ध्यान रखें, कोवैक्सीन, जेनवैक, राइट, टीसीबी, कोमवैक आदि टीकों को विकसित किया गया है। इसकी स्थापना 1966 में श्री कृष्णा इल्ला द्वारा हैदराबाद में की गई थी। और ये वर्तमान में क्यों चर्चित है, कोविड वैक्सीन जो है, दो कोविड वैक्सीन जो है उपलब्ध कराई गई हैं, राइट, और बाद में अगर हम देखें तो जो रूस की वैक्सीन है, राइट, उसको भी दिया जा रहा है। तो कोविशील्ड का निर्माण किया सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने, वहीं जो कोवैक्सीन है, राइट, कोवैक्सीन को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद एवं राष्ट्रीय विषाणु संस्थान पुणे के साथ में जो है विकसित किया गया है। तो भारतीय चिकित्सा विज्ञान और राष्ट्रीय विषाणु संस्थान के जो मिलकर उसका विकास किया गया है जिसका मैन्युफैक्चरिंग
कोवैक्सीन का मैन्युफैक्चरिंग भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के द्वारा किया गया है। तो ये थे केंद्र सरकार के प्रमुख स्वास्थ्य संगठन। अगले लेक्चर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।